आपने देखा क्या ज़बरदस्त, मतलब कि एकदम ऐसे लग रहा था जैसे जो हम लोग इंस्टाग्राम पर वीडियोस देख के बोलते हैं ना कि ये एडिटेड वीडियो है, ये रियल नहीं हो सकता, वैसा ही हमारे सामने था। ये वैसे इलीगल होना चाहिए, एक शहर को इतना ज़्यादा खूबसूरत बना देना, बांटना चाहिए। अब हम लोग जाएंगे साइकिल उठा के स्टैनली पार्क और आसपास के चेरे कॉस्मिक वगैरह देखेंगे। लेट्स गो। ये भी है वैसे बाइक रेंटल। लॉक आई गेस वो लेके ही गया होगा, लॉक लगा ही होगा। यहाँ से हेलमेट लेके चलना पड़ेगा। ये सब भी तो साइकिल का ही रूट है। दो दिन से बड़ी धूप की तलब हो रही थी, आ गई है धूप अच्छे से। हम लोगों ने वो टैंडम बाइक्स डबल वाली जो होती है वो रेंट पर ले ली थी। $15 पर आवर का है, बट $40 3 आवर्स के लिए हम लोगों ने ले लिया, और हेलमेट और लॉक भी है। अब हम लोग साइकिल चला के वहाँ से आ गए हैं स्टैनली पार्क में टोटम पोल्स पर। एक टोटम पोल्स के आसपास, बल्कि पूरे में ही एक्चुअली पार्क है ना, तो पूरे ऐसे आपको हरे मैदान दिखेंगे,
जहाँ आप बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो समंदर वाले व्यू के साथ। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपने सी वॉल को पकड़ते हुए, देखते हैं अगला क्या मिलता है देखने का। नहीं, उसके में देखो दोनों तरफ ब्रेक है। वेरी लाउड एट 9 PM ओनली। डेली कहते हैं शहर। ये सामने पीछे आपको देख नहीं रहा होगा ऑब्वियसली, पर वो लायंस गेट ब्रिज है। बट आगे एक प्रॉस्पेक्ट पॉइंट करके जगह है जहाँ से ये पास से बगल से देख सकते हैं। देखते हैं उस जगह हम पहुँच पाते हैं कि नहीं। ये आ गया प्रॉस्पेक्ट पॉइंट। बीवर लेक 700 मीटर चलना है। आता है बीवर लेक के लिए। बीवर लेक ये आप मेरे पीछे देख रहे हो। हाँ, बीवर नहीं दिख रहे हैं, लेक दिख रही है, बट बिल्कुल ही पूरी एकदम अनटच टाइप की है। पत्ते वत्ते खूब पड़े हुए हैं। ओह अच्छा, गिलहरी है बहुत बड़ी सी। तो इतनी रैबिट जितनी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी गिलहरियां।
अरे भाई साहब, अरे तो हम लोगों ने वापस होटल जाके थोड़ा बहुत जो है अपना सबवे का फुट लॉन्ग बचा हुआ था वो खाया और हॉट चॉकलेट खा ली, रिचार्ज हॉट चॉकलेट पी ली सॉरी। और आज हम लोगों ने कोई भी डे पास वगैरह एक्टिव नहीं किया था अपने कंपास कार्ड में, क्योंकि मुझे पता था कि $11 से कम का ही ट्रैवल होगा अगर हुआ भी तो। अभी अब हमारा पहला ट्रांजिट वाला ट्रैवल होगा, अभी तक तो साइकिल वगैरह ही चला रहे थे। तो हम लोग अपना जहाँ से जिस बस से अभी जाएंगे उसी का 90 मिनट वाला जो ट्रांसफ़र होगा उसको यूज़ करके सेकंड लोकेशन पर भी जाएंगे। अब निकले हैं हम लोग, एक और यहाँ का काफ़ी बढ़िया व्यू पॉइंट टाइप का है वो है ओलंपिक विलेज स्क्वायर, तो वहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं बस पकड़ के। तो वहाँ से एक्चुअली वो वर्ल्ड ऑफ साइंस, जैसे अपना एडमंटन में भी टेलस वर्ल्ड ऑफ साइंस है, वैसे यहाँ का जो वर्ल्ड ऑफ साइंस है उसका जो पूरा डोम है वो बहुत सुंदर दिखता है पानी के उस तरफ। तो हम लोग पानी के इस तरफ रहेंगे, तो वो विलेज स्क्वायर देखते हैं कैसा है। फ़ोटोज़ वगैरह खूब देखी हैं, अब आप भी देखो कैसा है। डॉक है, मतलब ओलंपिक विलेज का जो डॉक एरिया है जहाँ से आपको फॉल्स क्रीक फेरी और एक्वा बस मिलती है, ये वो एरिया है। सनसेट का टाइम है और ये रहा कैलस का डोम वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसमें बताते हैं कि पहले बहुत सारी लाइट्स थी जो मतलब रात में जलती थी, बट अभी मेंटेनेंस की वजह से वो नहीं जलती है। अगर जलती होती तो आई थिंक रात में ये भी देखने की चीज़ होती। और इस तरफ अगर आप देखो तो एक्चुअली सूरज की वजह से दिखाई नहीं देगा। ये जो दिखाई दे रहा है ये बीसी प्लेस है, जैसे अपना एडमंटन में रॉजर्स प्लेस है, तो ये बीसी प्लेस है। और यहाँ पर भी बहुत बढ़िया लाइटिंग रहती है यहाँ पर, तो मतलब अभी आप रात में आओगे तो ये पूरा यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्प्ले होता रहता है। He hates sea buses. No, he's excited. He loves it. Yeah. So he's like, I just want to get on. Yeah. CEL. Where you going, Jack? He's coming with the CEL. Oh, yeah. I'm excited. Oh, hi. अब हम लोग जल्दी से बस पकड़ के जा रहे हैं किट्सिलानो बीच, जो कि बहुत फेमस है और बहुत बहुत ही अच्छा व्यू आता है वहाँ पर। और हम लोग कोशिश करेंगे हमें सनसेट मिल जाए वहाँ पे, देखो नीचे पूरे ये तो अपने वहाँ पे जो बीच होते हैं वहाँ पाते हैं, बीच के पहले एकदम ऐसी ढलान सी रास्ता आता है।
ओह काफी लोग हैं, देख रही हो? सलानो बीच पर ही बैठे हुए हैं, सनसेट तो हो चुका है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मतलब बहुत ठंडी नहीं, अच्छी वाली। बहुत लोग हैं यहाँ पर, चिल कर रहे हैं सब। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा डिनर करने के लिए। एक इंडियन रेस्टोरेंट है, क्रेव इंडियन। इसका प्राइसेस बहुत ही कम है, मतलब 8-9 डॉलर में बटर चिकन की प्लेट है। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग है हमारी फ़्लाइट, तो इस मतलब इस सुंदर सी ट्रिप, मतलब बहुत ही सुंदर जो ट्रिप थी उसको एंड करने का आ गया है टाइम। किचलानो बीच से करते हैं साइन ऑफ इस ब्लॉग में, मिलते हैं अगले फिर किसी ब्लॉग में। किस्मत रही तो इस इतनी सुंदर या इससे भी सुंदर जगहों पर आपको लेके जाएंगे। चलो।